देश के बड़े हिस्से को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में भयंकर बिजली संकट पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में बिजली सप्लाई करने वाले NTPC के प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। NTPC के संयंत्रों से इन इलाकों में 4200 मेगावाट बिजली पैदा होती है। हालांकि ऐसी किसी भी हालात को टालने के लिए केंद्र सरकार जुटी हुई है। अंग्रेजी अखबार से बातचीत में NTPC के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि झारखंड के राजमहल माइंस से कोयल इंडिया करीब 55,000 टन कोयल सप्लाई करती थी, अब यह घटकर 40,000 टन हो गया। बारिश के दिनों में यह घटकर 20 टन पर आ जाता है। इस वजह से NTPC के संयंत्रों पर कोयले का स्टॉक कम हो गया है। अखबार का कहना है कि NTPC के फरक्का संयंत्र में कोयले का स्टॉक घटकर 4,000 टन पर आ गया है। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।